नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं यूपी के अहम खबरों का। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण उपजिलाधिकारी खजनी ने किया। जी हां, खजनी तहसील अंतर्गत विकास खंड बेलघाट कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जहां पर बालिकाओं को पठन पठान हेतु सरकार के द्वारा एक सुनहरी योजना के अंतर्गत रहने से लेकर अनेक सुविधाओं से लैस है यह विद्यालय। वहीं उपजिलाधिकारी पवन कुमार की निरीक्षण के दौरान बालिकाओं के साथ लंच भी किया, साथ ही साथ बालिकाओं को ज्ञानवर्धक चैप्टर भी पढ़ाया। सफलता की चाबी शुरुआती दौर से लक्ष्य बनाकर अनुसरण करते हुए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वहीं साथ ही साथ अध्यापकों को भी निर्देश दिया कि बड़े लक्ष्य के लिए बालिकाओं को कहानियों के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु प्रेरित करें। वहीं उपस्थित अध्यापिकाएं प्रधानाध्यापक कामिनी गिरी, गुंजा PFTT, सविता शर्मा, पुष्पावती मिश्रा कंप्यूटर अध्यापिका आदि लोग वहां उपस्थित रहे। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? My name is Imrim Singh. किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 8th में। Yes, sir. आज का कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम सर रीडिंग मेला है। रीडिंग मेला, तो रीडिंग मेला में क्या करना है आप लोगों को? सर हम लोग को रीडिंग मेला में बहुत चीज़ें बना रहे हैं। हम लोग कल से उसका रीडिंग मेला का तैयारी कर रहे हैं, और रीडिंग मेला का मतलब हम लोग को जितने लोग पढ़ते हैं हम लोग को पढ़ने आ जाए। यस सर। तो क्या आज का जो है क्या क्या आप लोगों ने बनाया है रीडिंग मेला में? जैसा कि चित्र के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है, तो क्या बनाई हैं आप आज? सर ये इंग्लिश में 5 वाबेल हैं जी, AEIOU जी। थैंक यू। चलिए आगे पूछते हैं, आपका नाम क्या है बाबू? सर माय नेम इज कर्म प्रभा। कर्म प्रभा जी, कहाँ पे पढ़ती हैं आप? कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बेलघाट में। आपके क्लास टीचर कौन है? गणित वाली मैडम जी और हिंदी की मैडम जी। नाम नहीं जानते हैं? जानते हैं। क्या नाम है? गणित वाली मैडम जी का नाम है गुंजा, और हिंदी की मैडम जी का नाम है श्री कामिनी गिरी जी। तो आज जो है रीडिंग मेला है, तो रीडिंग मेला में क्या बनाई है आप? जी सर हम बनाए तो कुछ नहीं, लेकिन सबकी हेल्प किए हैं बनाने में, और हम चाहते हैं सब बच्चों को पढ़ने आ जाए, और जो बनाए हम लोग चित्र उसके माध्यम से सब लोग कुछ सीखे। तो सब बच्चों को आ जाए और आपको? हमको भी आ जाए। अच्छा अच्छा, क्या बनाई है वैसे, क्या सहयोग किए हैं आप? ये जैसे कि ये बना हुआ है, ये क्या है? पार्ट ऑफ बॉडीज। पार्ट ऑफ बॉडी, तो पार्ट ऑफ बॉडी में आप सारे पार्टों का नाम जानती हैं? यस। अच्छा चलिए किसी और से पूछते हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? माय नेम इज खुशी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th में। तो 7th की क्लास टीचर कौन है आपकी? गुंजा मैम। गुंजा मैम है। तो आप जो है आज का जो कार्यक्रम है उसमें क्या क्या किया है आपने आज के दिन? हमने ये बनाया है ट्रैफिक लाइट, जो रेड वाला होता है, जब रेड वाला पड़ेगा तो रुको स्टॉप, इसके मतलब होता है इंग्लिश में, और पीला वाला तैयार रहो रेडी रहो। चलिए किसी और से पूछते हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? माय नेम इज खुशी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th में। तो 7th की क्लास टीचर कौन है आपकी? गुंजा मैम। गुंजा मैम है। तो आप जो है आज का जो कार्यक्रम है उसमें क्या क्या किया है आपने आज के दिन? हमने ये बनाया है ट्रैफिक लाइट, जो रेड वाला होता है, जब रेड वाला पड़ेगा तो रुको स्टॉप, इसके मतलब होता है इंग्लिश में, और पीला वाला तैयार रहो रेडी रहो, और ग्रीन वाला जब बढ़ता है तो गो मतलब जाओ, इससे हम चल देंगे रास्ते पे। यस सर। तो क्या संदेश देना चाहेंगी इस लाइट के जरिए, जो आपने इमेज बनाया है क्या संदेश देंगी, कुछ बताओगी आप? उसका तो मतलब तो ठीक है, उसके बारे में अभी नहीं बताया गया है। बताया गया। इसका प्रयोग कहाँ होता है सर? जी
गोरखपुर में जैसे, और बड़े 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 शहरों में जो रोड होते हैं, रोड के जो चारों तरफ रास्ते होते हैं उसके बीच में गोल चक्कर में ये लगता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सड़क सुरक्षा, ठीक है। और क्या कहना चाहेंगी अपने अपने क्लास के जो अपने सहपाठी हैं, अपने जो सहेलियों को क्या कहेंगे आप? सर जो हम सोचते हैं कि सबको पढ़ने आए अच्छे से, और सब जो हम बनाए हैं वो सबको आए और सब चीज आए। अच्छा, पढ़ना चाहती हैं, पढ़ के क्या बनेंगे आप? सर जो पुलिस बनेंगे। पुलिस बनेंगी? क्या पुलिस बनेंगी तो करना क्या पड़ेगा आपको पुलिस बनने के लिए? सर जिसके लिए पढ़ना पड़ेगा और तैयारी करना पड़ेगा। चलो आप बताइए, क्या नाम है आपका? आंचल। किस क्लास में हो? एट में। सब्जेक्ट क्या क्या है एट में जानती हैं? क्या क्या है? संस्कृत, हिंदी, गणित, कंप्यूटर, महान व्यक्तित्व, इंग्लिश। क्लास टीचर का नाम क्या है आपके? टीचर का? क्लास टीचर जो है आपकी मैम है? बड़ी मैम का नाम है गिरी कामनी, और गणित मैम का नाम है गुंजा। क्या बनेंगे पढ़ के आप, क्या बनेंगे आगे? डॉक्टर बनेंगी? डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। सर मेरा नाम है गुंजा जी, और मैं सर यहाँ फुल टाइमर के पद पे हूँ, और मैं गणित सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ जी। और सर आज जो है रीडिंग मेला का आयोजन किया गया था जी डीएम सर के द्वारा जी, और जी। रीडिंग मेला का मेन उद्देश्य यही है सर कि बच्चों को जो है पढ़ना सीखे, और मेरे सर कस्तूरबा में जो बच्चे हैं सर वो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, तो ये जो सर कुछ बच्चे ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं रहते, एकदम पढ़ते नहीं हम, और यहाँ सर बच्चों को हम लोग इसके लिए मतलब कि चित्र के माध्यम से हम लोग बनाए हैं कि बच्चे जो है चित्र देख कर उसको समझें और अपना पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, उनको पढ़ने आ जाए। आज का जो है जानकारी मिली है, जैसा कि उप जिलाधिकारी जी का भी दौरा था यहाँ पे, तो उनका संदेश किस तरीके से रहा है पठन पाठन पे, क्या उन्होंने संदेश दिया है? सर आज तो हम लोग को बहुत खुशी हुई सर कि हमारी स्कूल में सर एसडीएम सर आए, एक बार पहले भी आ चुके थे, और उन्होंने बच्चों को बहुत ही अच्छे से सर मोटिवेट किया। उन्होंने हम लोग को ये संदेश दिया कि आप लोग बच्चों को ऐसे मोटिवेट करिए कि ये अपना लक्ष्य को प्राप्त करें, इनका एक लक्ष्य रहे। हम लोग को बेसिक में मतलब सर कि ये ना हो कि ट्वेल्थ के बाद सोचें या ग्रेजुएशन कर ले उसके बाद सोचे कि हमको क्या बनना है। हम लोग अभी इसको बचपन में ही मतलब कि एट तक बच्चों में उसके मन में डाल देना है कि हम बच्चे तुम क्या बनना चाहते हो, उसके लिए कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है तुमको, इस चीज़ को हम लोग को उसके माइंड में हम लोग को डालना है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि आप जो है बच्चों को मतलब कि बच्चों को भी बताए कि आप लोग जो है अपने एम को जो है जहाँ आप सोते हो वहाँ बस लिख के रखो, और मॉर्निंग में जब उठो तो उसको देखो, जब उसको देखोगे तो तुम लोग को एम याद आएगा कि हमने एम हमारा क्या है। अगर मन हमारा भटकता रहेगा तो फिर हमको उसमें याद आएगा कि हमको जो है टीचर बनना है या हमको पुलिस बनना है, तो मीन्स उनका उद्देश्य यही था। चलिए लास्ट सवाल है हमारे चैनल की तरफ से, और लोगों को क्या संदेश देंगी आप इस विद्यालय के माध्यम से? हाँ सर, हम यही चाहेंगे कि जो हमारी बच्चियाँ पढ़ने आई हैं सर, वो यहाँ से जब पढ़ के निकला तो सर ट्वेल्थ तक हो गया, उसके बाद निकले सर तो अपने गांव में जाके बताएं ये पढ़ाई का क्या महत्व है जी। और सबको सर अपने घर में जब छुट्टियाँ में जाती हैं तो भी बताएं कि हमारे स्कूल में क्या पढ़ाई आती है होती है, आए सब यहाँ पढ़ें। जो बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती हैं किसी वजह से, काम करती हैं सर, जिससे बहुत सारे बच्चों के माँ बाप जो होते हैं बहुत गरीब होते हैं, बच्चियों को पढ़ने नहीं देते हैं, उनकी शादी कर देते हैं, तो इस पर सर वो रोकें और कहें कि हम लोग को पढ़ना है, उसके लिए सर आए यहाँ पढ़ें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, जैसा कि आज जानकारी मिली है कि कस्तूरबा गांधी पे रीडिंग मेला का कार्यक्रम चल रहा है, बच्चों को किस तरीके से पठन पाठन की व्यवस्था किस तरीके से है? हाँ सर, पठन पाठन तो ये कस्तूरबा विद्यालय में बढ़िया है, क्योंकि तो रीडिंग मेला का तात्पर्य ये है कि हम लोग अपने बच्चों को एनसीईआरटी की बुक पढ़ा के उनको उत्साहित करें, चित्र के माध्यम से बच्चे थोड़ा पढ़ के उसको और उनको बढ़िया लगे, पढ़ने में मज़ा आए, तो इसलिए हम लोग लाइब्रेरी की बुक निकाल के और बच्चों को उसके लिए अलग से समय देते हैं। शाम के समय लाइब्रेरी की बुक इशू होती है, बच्चे पढ़ते हैं। और जैसा कि आज जानकारी मिली है उप जिलाधिकारी का भी दौरा रहा है विद्यालय पर, किस तरीके का संदेश उन्होंने दिया है जी?
बच्चों को जी संदेश ये दिया है कि बच्चे अपना अहम बनाएं और इसके लिए टीचर भी जागरूक रहे उनके साथ कि बच्चे जहाँ सोते हैं वहाँ पे एक चार्ट पेपर बना के कि मुझे ये बनना है, अगर मुझे टीचर बनना है तो वो लिख के अपना डेली जब सो के उठेंगे तो देखेंगे कि हमने खुद लिखा है कि मुझे टीचर बनना है, तो उसके लिए प्रेरित होंगे वो देख के। तो उन्होंने बस निर्देश में ये दिया है कि बच्चे अपना एम बनाएं और एम हमेशा ऊंचा होना चाहिए। जैसे मुझे पुलिस बनना है तो मुझे आईपीएस की सोच रखनी चाहिए, ऊंचा सोचेंगे तो ऊंचा लक्ष्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। कितने बच्चे होंगे, बच्चियां कितनी हैं टोटल विद्यालय में? सर नामांकित 100 हैं लेकिन 86% थी सर आज। और भी कुछ कहेंगे बच्चियों के बारे में, पढ़ने पढ़ाई के दौरान उत्साह वर्जन और क्या क्या होता है पढ़ाई के अलावा यहाँ पे? पढ़ाई के अलावा यहाँ पीटी, योगा और ड्रम के साथ ये लोग डांस गाना हारमोनियम मैं खुद सिखाती हूँ उन लोगों को। और हर प्रोग्राम में छोटे छोटे प्रोग्राम कोई भी है सब ऑर्गेनाइज करवाती हूँ ताकि बच्चों को अच्छा लगे। फूल यहाँ तक कि फूल पौधा वो करवा में पानी डलवाना, चाहे अच्छे अच्छे फूल लगवाना उनके नाम से कि आप अपने नाम पर एक फूल लगा दो, पर्यावरण शुद्ध रहेगा, इससे कभी भी आप निकल जाओगे जब आओगे तो आपके नाम का पौधा हमारे स्कूल पे लगा रहेगा, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। एक और जानकारी देंगे, आजकल हर विद्यालयों में जो है कंप्यूटर शिक्षा जो है महत्वपूर्ण कर दी गई है जी सर, तो इसमें क्या व्यवस्था है कंप्यूटर शिक्षा में क्या? कंप्यूटर हमारे यहाँ चार हैं जो चारों सक्रिय हैं, हमारे कंप्यूटर टीचर है, हमारी मैथ टीचर है, खान अकेडमी एक ग्रुप बना है हम लोग का जिसमें बच्चों का ग्रुप बना के उसमें होमवर्क दिया जाता है, बच्चे कंप्यूटर पे होमवर्क करते हैं, बच्चे उसमें अपना सक्रिय रहते हैं सर, बैठते हैं उसके लिए अलग से मैम टाइम देती है हमारी, और बच्चे कंप्यूटर बैठ कर उसे चित्र के माध्यम से या गेम खेलना अपने होमवर्क को पूरा करना वो बच्चे काम।